है, आज के सेशन की जो मेन टॉपिक है, ये टॉपिक के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं, शायद हर किसी को ये प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ आपके पास जितने भी लोग आते हैं, जितने भी जुड़ते हैं हमारे साथ, जितने भी पार्टिसिपेंट, उनको भी शायद ये प्रॉब्लम है, राइट? कहीं ना कहीं पे हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट को सजेस्ट करते हैं, किसी किसी का फीडबैक ये रहता है कि नहीं हुआ है किसी को ऐसा, मतलब उनकी जो सॉल्यूशंस की जरूरत होती थी, माने होना चाहिए, वो नहीं हो रही है, राइट? किसी किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जब हमारे पास कोई भी नेगेटिव चीज आती है, नेगेटिव एक मतलब एक फीडबैक आती है, उस टाइम पे शायद हम लोगों को ये चीज सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कहीं ना कहीं पे, क्योंकि देखिए आप लोग सभी जानते होंगे कि केवा की ऐसी कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है जो काम नहीं करता है, राइट? तो ऐसी ऐसी कोई भी बात होगी कि जहां पे हम लोग उनको प्रॉपरली सॉल्यूशंस नहीं दे पा रहे हैं, राइट? इसके लिए आपको उनके साथ एनालिसिस की जरूरत होती है, वो स्किन हो, वो हेयर हो, जो भी हो, उनकी उनको एनालिसिस की जरूरत होती है, और उसके साथ साथ आपको कुछ नॉलेज की जरूरत होती है जहां पे आप उनके साथ प्रॉपरली उस चीज को लेके बात करें, उस प्रॉब्लम को लेके बात करें, और उसके साथ साथ आप उनको उसका सोल्यूशन दे, राइट? आज ऐसा ही एक छोटा सा टॉपिक को लेके हम लोग बात करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, कुछ छोटे छोटे टिप्स आप लोगों को मुझे देना है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और मैं स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ हर टाइम की तरह। प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग प्रॉपरली दिखाई दे रही है या तो कोई दिक्कतें आ रही है। सभी को दिखाई दे रही है, सो प्लीज मुझे एक बार कोई भी चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए कि आप लोगों को क्या प्रॉपरली स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। एनीवन, मुझे चैट बॉक्स में प्लीज एक बार बता दीजिए कि आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग प्रॉपरली हो रही है या तो कोई भी दिक्कत आ रही है। आप लोगों को दिखाई दे रही है स्क्रीन शेयरिंग? ओके, चलिए जिस प्रोडक्ट को लेके आज हम लोग बात करेंगे, जिस प्रॉब्लम को लेके आज हम लोग बात करेंगे, वो है हेयर की प्रॉब्लम, राइट? अगर मैं हेयर की प्रॉब्लम की बात करूं तो सबसे पहले हम लोगों को जिस चीज के बारे में पता होना चाहिए वो है टाइप ऑफ हेयर, राइट? अगर हम लोग किसी को भी हेयर के बारे में कुछ भी बता रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज देखने की जरूरत होती है कि अगर मैं किसी को कोई भी प्रोडक्ट्स दे रही हूं तो उससे पहले उनकी हेयर की स्ट्रक्चर क्या है, राइट? वो किस तरह से, मतलब अगर मैं किसी को कोई भी ट्रीटमेंट दे रही हूं तो उसमें उनकी हेयर की स्ट्रक्चर को लेके हम लोगों को प्रोडक्ट को सजेस्ट करना बहुत जरूरी होती है। अगर मैं हेयर की टाइप के बारे में बताऊं तो आप लोगों को सभी को पता है कि किसी किसी को एकदम स्ट्रेट हेयर होती है, किसी को थोड़ा सा वेवी हेयर होती है, किसी को कर्ली हेयर होती है, राइट? और किसी किसी को बहुत ज्यादा कर्ली हेयर होती है, राइट? तो एटलीस्ट हम लोगों नॉर्मली इस तरह की हेयर की बारे में हम लोगों को पता है, राइट? अब चलते हैं जिस चीज को लेके हम लोगों को बात करनी है, वो है हेयर की प्रॉब्लम। सबसे पहले हम जहां पे सबसे ज्यादा वरीज होती है वो है कि अगर किसी की कोई भी हेयर में, जैसे कि किसी की हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रही है, किसी को ग्रेसी हेयर की प्रॉब्लम है, किसी को ड्राई एंड डल हेयर की प्रॉब्लम है, या तो किसी किसी को स्प्लिट एंड्स के भी प्रॉब्लम हो सकती है। आज के टाइम पे अगर ये देखा जाए कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग
थोड़ा सा अगर नजर डाले प्रॉब्लम के ऊपर तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो है हेयर फॉल, राइट। ऐसे कुछ प्रोडक्ट यूज करने से हमारी और एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो है ड्राई एंड डल हेयर। उसके साथ साथ लेडीज को ये प्रॉब्लम ज्यादातर होती है, वो है स्प्लिट एंड हेयर, या तो आप बोल सकते हैं जो दो मुहे बाल हम लोग बोलते हैं, राइट। उसके साथ आती है हमारी, किसी किसी को होती है कि हेयर या तो स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली होती है, किसी किसी को डैंड्रफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी को ग्रे हेयर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट। ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है, अगर हम लोग इसके पहले से अगर हम लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो ये एक टाइम के बाद ये देखा जाता है कि ये एक मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है, राइट। तो सबसे पहले जो चीज करना होता है वो है कि अगर आपकी हेयर फॉल हो रही है, या तो आपकी हेयर की कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, तो सबसे पहले आपको जो चीज करना है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, राइट। उसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट थिंग हम लोगों के पास ये नॉलेज होना जरूरी है, और उसके साथ साथ हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स है उसे हम लोग कौन से प्रॉब्लम में कहाँ पे पुट करें ये जानना जरूरी होती है। चलिए आज हम लोग हेयर प्रॉब्लम को लेके बात करते हैं, या तो हेयर के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को लेके आज हम लोग बात करेंगे, उसका कॉजेस जानेंगे, उसके लिए हमारे पास स्पेशल प्रोडक्ट्स क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। अगर हम लोग हेयर फॉल या तो हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के बात करते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन सुनने के लिए हम लोगों को मिलती है। आप किसी के पास भी जाइए, लेडीज हो या तो जेंट्स हो, आप किसी के पास भी जाइए, सब सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपके पास आएगी वो है मेरी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रही है, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रही हूँ लेकिन उसके बाद भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रही है, राइट। लेकिन अगर आप लोग स्पेशली देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा लेडीज की हेयर प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल सी चीज होती है, क्योंकि लेडीज का बहुत ज्यादा हार्मोनल इश्यूज भी होती है जिसकी वजह से उनकी हेयर फॉल ज्यादा से ज्यादा होती है। लेकिन आज के टाइम पे ये देखा जाता है कि 66% जो मेल मेंबर होती है उनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, उनकी हेयर भी लॉस होती है, उनकी हेयर पतले हो जाते हैं, और ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 35 एज से लेकर। पहले हम लोग कोई भी, वो लेडीज हो या तो जेंट्स हो, कोई भी हम लोगों को किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मेजर हो सकती है। जब वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तब हम लोगों को ये एहसास होती है कि अभी हमें वो ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है, राइट। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो अर्ली इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक टाइम के बाद हमारे पास बहुत लेट हो जाते हैं, और जब आप ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब चलते हैं, व्हाट इज आवर हेयर लॉस, या तो जिसे हम लोग एलोपेशिया के नाम से जानते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर किसी का 100 strand हेयर गिर रही है पूरे दिन में, अगर आपकी 100 बाल गिर रही है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हेयर फॉल बहुत ही नॉर्मल होती है अगर आपकी 100 strand गिर रही है, राइट। लेकिन आपको जो नजर डालना जरूरी होती है वो है कि अगर आपका हेयर फॉल 100 हो रही है, मतलब 100 strand अगर गिर रही है, तो क्या वो 100 strand फिर से ग्रोथ हो रही है, ये मतलब नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो 100 strand फिर से आपकी हेयर ग्रोथ प्रॉपरली हो रही है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि आपकी जो हेयर फॉल जितनी ज्यादा हो रही है उससे कम आपकी हेयर की ग्रोथ हो रही है, तो उस जगह से हम लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, राइट। नहीं तो ये हेयर लॉस या तो हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगती है, राइट। अब चलते हैं टाइप ऑफ हेयर लॉस, कैसे कैसे टाइप की हेयर लॉस होती है, जहां पे अगर हम लोग किसी को भी देखते हैं, अगर हम लोग किसी को कोई भी प्रोडक्ट देने के लिए जा रहे हैं, अगर आप उनके स्कैल्प देख को भी आपको आपको थोड़ा सा अंदाज हो कि हाँ उनको इस
प्रॉब्लम हो रही, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है जिसमें मुझे ये प्रोडक्ट्स देना जरूरी है। किसी किसी को ये दिखाई दे, मतलब आपको दिखाई देगी, किसी किसी को एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, राइट? एलोपेशिया की अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि बाल गिरना, या तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रही है, एटलीस्ट अगर मैं मेल की बात करूं तो उनकी जो बेल्डनेस होती है उसकी मतलब जो पैटर्न होती है कि मिडिल में पूरी हेयर लॉस हो जाती है और बाकी की एरियाज में हेयर रहती है, राइट? इसे हम लोग एलोपेशिया के नाम से जानते हैं। किसी किसी को ये प्रॉब्लम होती है कि जहां पे उनकी मिडिल, ये लेडीज को ज्यादातर होती है, किसी किसी को देखा जाता है कि उनकी हेयर की, मतलब स्कैल्प की जहाँ पे हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, जैसे पार्टिंग करते हैं, उस पार्टिंग बहुत ज्यादा उसकी मतलब वहां से बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रही है, राइट? और एक टाइम के बाद वहां पे देखा जाता है कि हेयर लॉस इतनी ज्यादा हो रही है जहां पे आपको स्कैल्प भी दिखाई दे रही है, राइट? किसी किसी को ऐसा भी होती है कि एक सीजन या तो एक टाइम में उनकी हेयर लॉस बढ़ जाती है, और कभी कभी ऐसा भी होती है किसी किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से हेयर लॉस होती है, राइट? बट ये जो सारे प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताया, ये जो आपको देख के पता चलेगा, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम की कॉजेस क्या है? अगर मैं हेयर लॉस की कॉजेस के बारे में बताऊं तो फर्स्ट थिंग जो आती है वो है कि आपकी जेनेटिकली किसी को ऐसी कोई ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है या तो नहीं है। अगर ये दिखाई दे कि आपकी जेनेटिकली किसी को हेयर लॉस या तो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, तो उस जगह से आपकी हेयर लॉस हो सकती है, राइट? उसमें हम लोग ट्रीटमेंट जरूर कर सकते हैं, पॉसिबल तब हो सकती है जब आप पहले से इसकी ट्रीटमेंट या तो आप इसको टेक केयर करें। नेक्स्ट आता है फंगल इन्फेक्शंस। अगर हम लोग फंगल इन्फेक्शंस की बात करें, आज भी बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि भाई हर रोज अगर हम लोग शैम्पू करें तो हमारी हेयर लॉस बढ़ जाती है, हर रोज अगर हम लोग स्कैल्प को क्लियर रखें तो हमारी हेयर की हेयर फॉल बढ़ जाती है। तो मैं हमेशा यही कहती हूं कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप बाहर से जब घर में आते हैं उस टाइम में आप आके फेस वॉश करते हैं या तो साबुन से फेस को क्लीन करते हैं, राइट? तो अगर आप बाहर निकलने में आपकी फेस की सरफेस में धूल मिट्टी आ सकती है, तो क्या आप जब बाहर निकलते हैं या तो घर में जब खाना बनाते हैं या तो आप अगर कोई रूम के अंदर भी है, क्या उसके मतलब उस रूम के अंदर ऐसी कोई पॉल्यूशंस नहीं है? अगर आप खाना बना रहे हैं उसकी जो तेल होती है, मतलब जो ऑयल्स होती है, क्या वो आपकी स्कैल्प या तो स्किन में नहीं चिपकते हैं? तो अगर आप फेस को क्लीन कर सकते हैं 2 से 3 बार, तो क्यों ना आप एक बार इस मतलब हेयर को भी शैम्पू से क्लीन करें, क्योंकि आपकी स्कैल्प अगर क्लीन रहेगी तभी आपकी हेयर की पोर्स क्लीन रहेगी, तभी आपकी हेयर ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अगर आप हर रोज हेयर को नहीं धोते हैं, शैम्पू नहीं करते हैं, कंडीशनिंग मतलब प्रॉपरली अगर ऑयल नहीं मसाज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प में हर रोज धूल मिट्टी मतलब स्टोर होते होते एक टाइम पे वहां से फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है तो वहां से भी इन्फेक्शन ग्रोथ हो सकती है। तो हमेशा जब भी अगर किसी को भी कोई भी हेयर की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले जो चीज देखना जरूरी है कि आप क्या स्कैल्प को हमेशा क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हेयर स्टाइलिस्ट प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम लोग बहुत टाइट से हेयर को बांध के रखते हैं कभी कभी, राइट? जैसे कि हम लोग हेयर को एक्सटेंशन करवाते हैं, हेयर के कलर को बार बार चेंज करवाते हैं, हेयर में पर्मिंग वगैरह बहुत ज्यादा करवाते हैं, इसके हेयर में स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, जहां पे हमारी
जो हेयर स्टाइल की वजह से भी, अगर आप बहुत जोर से कोई भी पॉनी कर रहे हैं, बहुत टाइटली कोई भी प्रोडक्ट, मतलब कोई भी ऐसी चीज से आप अपनी बालों को बांध के रखे हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकती है, और उसके साथ साथ हेयर केयर प्रोडक्ट जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ऐसे कोई प्रोडक्ट्स आप जहां पे यूज कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी केमिकल्स होती हैं, जैसे कि हेयर कलर्स अगर आप बार बार चेंज करवाते हैं, अगर आप कोई भी ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो जहां पे बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं, राइट, जिसकी वजह से आपकी जैसे कि स्ट्रेटनिंग करवाना, मतलब पर्मिंग करवाना, ये सारी चीज करने से आपकी हेयर फॉल बढ़ जाती है। अगर मैं लेडीज की बात करूं तो उनको और एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो है हार्मोनल चेंजेस, या तो हार्मोन्स की प्रॉब्लम। जैसे कि अगर जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है, आफ्टर प्रेगनेंसी एंड बिफोर प्रेगनेंसी उनकी हेयर लॉस बढ़ सकती है, चाइल्ड बर्थ के बाद उनकी हेयर की प्रॉब्लम, हेयर लॉस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उसके साथ साथ अगर किसी भी कोई भी लेडीज को अगर पीसीओडी, पीसीओएस या तो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जहां से भी उनकी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। लेडीज की और एक प्रॉब्लम होती है जिसका नाम है मेनोपॉज, राइट। मेनोपॉज के टाइम पे उनके हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ, मूड स्विंग के साथ साथ, उनकी हेयर फॉल, उनकी हेयर में प्रॉब्लम, उनकी स्किन में प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम आ सकता है। सो इज अ हार्मोन चेंजेस की वजह से हो सकता है। अब चलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे कि अगर कोई भी ऐसे पेशेंट हो जिनके, मतलब जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, वो केमोथेरेपी ले रहे हैं या तो ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं जिसकी वजह से उनको हेयर फॉल हो सकती है, या तो नॉर्मल पर्सन ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं जो बहुत दिन तक चल रही है जिसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है हेयर लॉस या तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या होती है, मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट होती है वो है न्यूट्रिशन डेफिशियंसी। अगर आप हर एक न्यूट्रिशंस आपके बॉडी में नहीं जा रही है, जा रहा है, अगर आप प्रॉपरली प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, अगर आप आयरन नहीं ले रहे हैं, विटामिन्स प्रॉपरली, विटामिन्स मिनरल नहीं ले रहे हैं, मतलब एक बॉडी के लिए, एक ह्यूमन बॉडी में जो जो चीज की जरूरत होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, जो जो चीज की जरूरत होती है, इसमें अगर आपकी कोई भी डेफिशिएंसी हो रही है तो उसमें से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। देखिए मैंने ना जितनी सारी प्रॉब्लम आप लोगों को, मतलब मैं बता रही हूँ, हर एक चीज की प्रॉब्लम के सोल्यूशंस हमारे पास है, और ये आप लोगों को भी पता है। अगर किसी के पास, किसी को प्रोटीन की प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे पास प्रोटीन है, अगर हमारे पास आयरन की, मतलब हमारी बॉडी में आयरन की प्रॉब्लम हो रही है तो आयरन की सप्लीमेंट हमारे पास है, अगर किसी को हार्मोन चेंजेस की प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी हमारे पास सप्लीमेंट है। तो हर एक प्रॉब्लम की अगर हमारे पास सोल्यूशंस है तो क्यों ना हम लोग किसी को जब हेयर लॉस के बारे में बता रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट को भी ऐड करें, राइट। नेक्स्ट चलते हैं ट्रेसफुल इवेंट्स या तो ट्रेसफुल लाइफ। देखिए ट्रेस को हम लोग छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशंस ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट हैं, लेकिन अगर मैं ट्रेस की बात करूं तो सबसे पहले जैसे कि कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि अगर आपकी कोई भी बड़ी सर्जरी हो रही है, मतलब होने वाला है या तो होने वाली है, उस टाइम पे आप जो टेंशन्स लेते हैं जिसकी वजह से आपकी हेयर फॉल हो सकती है, राइट। लाइफ में ब्रेकअप हुआ है जिसकी वजह से आपकी टेंशन है, थायराइड की अगर डिजीज है इसकी वजह से आपकी टेंशन है, प्रॉपरली मंथ क्लोजिंग नहीं हुई है, टीम आपको हेल्प नहीं कर रही है, आपकी मंथ क्लोजिंग जिस रेट में होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो रही है जिसकी वजह से आपको टेंशन है, सब की ना एक फीडबैक होती है। अगर आप इतनी ज्यादा टेंशन ले रही है तो वहां से क्या होगी, आपकी हेयर फॉल की भी एक कॉजेस ही आपकी टेंशन, मतलब हो सकती है। तो अगर प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन ढूंढना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अगर आपको लग रहा है इसके वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले इसके प्रिवेंशन ढूंढना जरूरी है। जैसे कि आपको प्रॉपरली डाइट को मेंटेन करना जरूरी होती है,
प्रॉपरली कैलोरी लेना, प्रोटीन लेना, आयरन का टैबलेट्स को इंटेक करना, एटलीस्ट सप्लीमेंट को आपके लाइफ के साथ जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट? उसके साथ अगर आपकी ट्रेस की प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसी कोई भी पर्सन नहीं है जिनके लाइफ में ट्रेस नहीं है, आप देख सकते हैं कि हर किसी के लाइफ में ट्रेस होती है। कभी कभी ऐसा कोई भी आपको मिल जाएगी जो जिनके लाइफ में ट्रेस है, लेकिन वो बहुत इजीली उस ट्रेस को वो रिकवरी कर रहे हैं। और बहुत ऐसे भी आपको पर्सन मिलेंगे जहां पे उनके लाइफ में छोटा सा एक प्रॉब्लम है, लेकिन उनको बहुत बरी लग रही है, हर टाइम पे उसे लेके ही सोच रहे हैं, लेकिन उसका सोल्यूशंस नहीं ढूंढ रहे हैं। ऐसे में आपको सोल्यूशंस को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप कोई भी वे ढूंढ सकते हैं, जैसे कि योगा कर सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं, राइट, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको थोड़ा सा मेंटली सपोर्ट मिलती है। अगर आपकी मेडिकल कोई भी इश्यूज है तो उसमें आपको दवाई की जरूरत होती है, या तो सप्लीमेंट, जैसे कि थायराइड डिजीज की अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को मेनोपॉज की अगर प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट्स है, राइट? उसके साथ साथ आपको ऐसी कोई प्रोडक्ट की यूज नहीं करनी है जहां पे आपकी हेयर को, मतलब हेयर लॉस होने में वो और भी ज्यादा मदद करे, क्योंकि हेयर की एक नॉर्मल सी स्ट्रक्चर होती है, नॉर्मल सी एक मॉइस्चराइज होती है, जिसे हम लोग नेचुरल मॉइस्चराइज करते हैं। ये सारी चीज को जब आप हर्म करेंगे, जब आप उसे खो देंगे, वहां से स्टार्ट होती है आपकी हेयर की प्रॉब्लम, राइट? बार बार हेयर कलर को चेंज करना, ऐसे कोई केमिकल को बार बार यूज करना, प्लीज ये सारी चीज को आपको कम करना जरूरी है। ये मैं आज आपको बता रही हूँ, लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, तो उसके लिए या तो जो चाहते हैं कि पहले से हमारी हेयर अच्छा रहे, ये सारे प्रॉब्लम हमारे लाइफ में ना आए, तो उसके लिए है काइपो हेयर फॉल कंट्रोल किट। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किए हैं, इनकी क्या फीडबैक है, शायद यहाँ पे जो 27 पार्टिसिपेंट है, अगर आप लोगों ने इस प्रोडक्ट को किसी को भी दिए हैं, तो आई थिंक आपके पास भी इसका फीडबैक है। लेकिन मैं आप लोगों को बताने की यही कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप किसी को भी इस प्रोडक्ट के सजेस्ट करते हैं, तो उससे पहले ये सारे बातें करना, ये सारे प्रॉब्लम को देखना, उनकी लाइफस्टाइल को देखना, वो कौन सी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, इसे देखना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, राइट? आज जिस प्रोडक्ट को लेकर हम लोग बात करेंगे इज अ हेयर फॉल कंट्रोल किट। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो फर्स्ट थिंग इज अ मेड ऑफ इंडिया, 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है, जो लेडीज एंड जेंट्स बोथ यूज कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, इज अ वेरी कंफ्यूजिंग, अगर किसी कोई भी प्रोडक्ट्स के ऊपर लेडीज की पिक्चर दी गई है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक मेल नहीं यूज कर सकते हैं, राइट? कोई भी हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है, अगर जेंट्स के लिए अलग सा कोई सेगमेंट, मतलब हमारे पास जो सेगमेंट है वहां पे मेंशन किया गया है इज ओनली फॉर जेंट्स, जहां पे लेडीज ना उसे यूज करें। लेकिन हमारी ऐसी कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, जैसे अगर मैं हेयर फॉल कंट्रोल किट के बारे में बताऊं, या तो मैं फेशियल किट के बारे में बताऊं, अगर मैं लक्स एंड हेयर किट के बारे में बताऊं, जहां पे ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है कि इज ओनली फॉर लेडीज, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी को हो सकती है, जिसकी वजह से आप लेडीज हो या तो जेंट्स हो, कोई भी इस प्रोडक्ट की फायदे ले सकते हैं, या तो इस प्रोडक्ट्स को आप लोग यूज कर सकते हैं, राइट? इज ओनली एक्सटर्नल यूज प्रोडक्ट जो आप हर रोज यूज कर सकते हैं। मैंने पहले कहा था कि हेयर प्रॉब्लम की एक कॉजेस ये होती है कि आप जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, क्या उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं जो आपकी बालों की नेचुरल मॉइस्चराइजर को हैम्पर कर रहे हैं, आपकी बालों को गिरने में मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, तो आप लोगों को सभी को दिखाई दे रही है कि इसके अंदर है हिबिकस, नीम, वेटिवर, आंवला, एलोवेरा, रोज, एप्पल एक्सट्रैक्ट, चनोथी, उसके साथ साथ है आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल, व्हाइट ग्रेम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, तिल ऑयल एंड ग्लिसरिन, राइट? हर एक इंग्रेडिएंट कहीं ना कहीं पे आप आयुर्वेद के साथ सुने हैं, कहीं
कहीं ना कहीं पे एक टाइम पे हमारी माँ, हमारी दादी माँ कभी ना कभी इसकी ये सारे इंग्रेडिएंट्स के जिक्र किए होंगे। तो ऐसी कोई प्रोडक्ट्स, ऐसी कोई इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ प्रोडक्ट्स क्या आप लोग यूज नहीं करना चाहते हैं? अगर ये आपकी प्रॉब्लम को, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर मैं इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताऊं, आप देखिए बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो इस प्रोडक्ट से, मतलब बालों की कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस प्रोडक्ट से उसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को बहुत ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा देखी हूँ कि अगर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग, या तो हम लोग हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि आप ये ऑयल यूज कीजिए, ये शैम्पू यूज कीजिए, या तो इस सप्लीमेंट को यूज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों ना हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं उसके साथ साथ ऐसी कोई एक स्पेशल प्रोडक्ट को ऐड करें जहां पे उनको जल्दी से जल्दी रिकवरी, या तो उनको जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले, या तो उनको चेंजेस नजर आए। ऐसे ही एक प्रोडक्ट है हेयर फॉल कंट्रोल किट, जो आपकी हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंशन देते हैं हेयर फॉल, मतलब हेयर फॉल ना होने में। ये आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, आपकी बालों को नरिशमेंट देते हैं। जब आप इस प्रोडक्ट से अपनी बालों का टेक केयर करते हैं तो सबसे पहले ये स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करते हैं और हेयर फॉलिकल्स को भी ये ब्लड सर्कुलेशंस देके उसे एक्टिव बनाते हैं, जहां पे आपको एक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग और शाइनी हेयर मिलती है। इस प्रोडक्ट्स के अंदर चार किट है, राइट? चार चीज आपको मिलेगी, हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर एंड हेयर फॉल कंट्रोल सीरम। ये चार चीज जो आपकी बालों की टेक केयर करते हैं, आपकी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा देते हैं, और उसके साथ साथ आपकी प्रॉब्लम को फिर से, अगर आप खुद का टेक केयर करते हैं इस प्रोडक्ट के साथ, तो ये सारे प्रॉब्लम आपको पूरी तरह से, आपको एक बोल सकती हूँ, आपको एक बहुत, मतलब लॉन्ग टर्म एक आपको अच्छी बाल की एहसास देगी। फर्स्ट जिस प्रोडक्ट को लेके हम लोग बात करेंगे इज ए टाइप ऑफ हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, जिसके अंदर है सेवन एसेंशियल ऑयल और उसके साथ साथ है नेचुरल हर्ब्स। ये क्या करते हैं, ये आपकी स्कैल्प को नरिशमेंट देते हैं और उसके साथ साथ रिड्यूस करते हैं आपकी हेयर फॉल को, जहां पे आपको, जब भी आप इस प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो आपको क्या हो, आपको बेनिफिट्स क्या मिलती है, आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होती है, जिसकी वजह से आपकी हेयर की रूट स्ट्रांग होती है, और उसके साथ साथ आपको एक लॉन्ग स्ट्रांग एक हेयर ग्रोथ भी मिलती है। जब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज करें, जिस दिन आपको लग रहा है कि आपको, आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, आप उस दिन भी इस ऑयल को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि उससे पहले दिन आप हेयर ऑयल को रात में यूज करके आप सो सकते हैं, नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे, राइट? आपको किस तरह से ऑयल को, मतलब यूज करना है, जिस तरह से आप ऑयल को यूज करते हैं, लेकिन एक चीज को ध्यान रखिए हमेशा, अगर आप ऑयल यूज कर रहे हैं तो स्कैल्प में अच्छी तरह से मसाज कीजिए, बहुत जोरों से नहीं, हल्की हाथों से, फिंगर टिप से आप उसे मसाज कीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप स्कैल्प को पैम्परिंग करेंगे उतनी अच्छी तरह से आपकी ये जो मतलब ऑयल है ये बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगी और आपको रिजल्ट भी अच्छी तरह से दे, मतलब दे सकती है। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप टू, जिसका नाम है हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। आपने शैम्पू, आपने हेयर ऑयल लगाया, नेक्स्ट आपको क्या करना है, हेयर फॉल शैम्पू से शैम्पू करना है। इसके अंदर भी है ऑयल एंड नेचुरल हर्ब्स, जिसकी वजह से ये आपकी हेयर फॉलिकल्स को एंड आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, आपकी बालों की जो नेचुरल मॉइस्चराइजर होती है उसे, मतलब उसे स्टोर करके रखते हैं आपकी बालों में, कि कहीं ना कहीं पे ये मॉइस्चराइजर लॉस ना हो, और उसके साथ साथ आपको एक लॉन्ग हेयर भी प्रेजेंट करते हैं। जब भी आप शैम्पू करें हमेशा याद रखिए शैम्पू को पानी के साथ मिक्स नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शैम्पू को पानी के, मतलब एक
सा शैम्पू लेके उसके अंदर पानी डाल के थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लाके फिर वो लोग शैम्पू करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको पानी के साथ डायल्यूट करके आपको इसे लगाना है। इज अ प्योर प्रोडक्ट जिसकी वजह से आप जब भी शैम्पू करें सबसे पहले आपको क्या करना है, बालों को अच्छी तरह से भिगो लेना है। उसके बाद शैम्पू लीजिए, पूरी स्कैल्प एंड हेयर में अच्छी तरह से मसाज कीजिए और 1 से 2 मिनट वेट कीजिए। एंड इसे प्रॉपरली वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस मैं हमेशा कहती हूँ शैम्पू को अगर आपकी हेयर रूट में रह गया तो वहां से भी हेयर फॉल हो सकता है। तो शैम्पू को अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट चलते हैं हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर। अगर आप कंडीशनर यूज नहीं करते हैं, आपकी जो बाल होती है वो क्या होती है कि आपने नहाया उसके बाद अगर आप बाहर निकल रहे हैं या तो आप घर में भी रह रहे हैं तो वो बालों को ना वो नॉर्मल सा मॉइस्चराइज नहीं मिलती है जहां पे बाल प्रॉपरली अपने स्ट्रक्चर पे आए, राइट जिसकी वजह से आपको कंडीशनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आपके बाल फ्रिजी ना हो जाए, आपकी हेयर फॉल ना बढ़ जाए, आपके बालों को देख के ना लगे इज अ वेरी ड्राई हेयर, राइट जिसकी वजह से आपके कंडीशनर बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कंडीशनर में क्या है, इज अ नेचुरल हर्ब एंड एसेंशियल ऑयल जो आपकी हेयर फॉल को रोकता है, आपके बालों को नरिशमेंट देती है और उसके साथ साथ आपके बालों की स्ट्रेंथनेस को ये बरकरार रखने में मदद करते हैं। कंडीशनर्स आप जब भी यूज करें, यहाँ पे एक पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है कि किस जगह से कंडीशनर को यूज करना जरूरी होती है। आपको स्कैल्प में कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हेयर की इस एरिया से कंडीशनर को यूज करते हैं और कंडीशनर को यूज करने से पहले प्लीज आप लोग थोड़ा सा टॉवल ड्राई कर लीजिएगा हेयर को कि पानी ना गिरे, क्योंकि अगर आप उसके बाद कंडीशनर यूज कर रहे हैं तो वहां से आपकी पूरी कंडीशनर पानी के साथ चला जाएगी। तो एटलीस्ट टॉवल ड्राई कीजिए, उसके बाद जिस एरिया से दिखाया गया है कंडीशनर यूज करना चाहिए वहां से आप कंडीशनर यूज कीजिए। अगर मैं मेल की बात करूं तो आप हाथों में कंडीशनर लीजिए एंड ओनली फॉर हेयर के ऊपर से हल्की हाथों से लगा के छोड़ दीजिए। 1 से 2 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद कंडीशनर्स को प्रॉपरली क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरत है। शैम्पू एंड कंडीशनर हेयर की रूट में ना रह जाए, इसे देखना स्कैल्प में ना रह जाए, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट right? नेक्स्ट चलते हैं, इज अ फोर्थ स्टेप, इज अ वेरी वेरी एसेंशियल स्टेप जिसका नाम है हेयर फॉल कंट्रोल सीरम। आपको पता ही होगा कि ये जो सीरम होती है ये क्या काम करते हैं। नंबर वन, आपने कंडीशनर किया उसके बाद भीगो, मतलब अगर आपके बाद थोड़ा बहुत वेट है तो बहुत अच्छा होता है, आप कंडीशनर को यूज कीजिए। क्योंकि ये जो कंडीशनर है ये क्या काम करते हैं, आपकी हेयर लॉस को प्रोटेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ ये आपकी बालों की नरिशमेंट स्ट्रॉन्गनेस देने का काम करते हैं। आप जब भी सीरम को यूज करें, आपने नहा के जब आप बाहर निकल रहे हैं अच्छी तरह से बालों को टॉवल ड्राई कीजिए, थोड़ा सा उसे ड्राई कर लीजिए, पूरी तरह से ड्राई मत कीजिएगा, हल्का वेट ही रहना जरूरी है। उसके बाद आप स्कैल्प आप सीरम को हाथ में लेके अच्छी तरह से आप पूरे स्कैल्प से लेके पूरे हेयर तक आप अच्छी तरह से उसे आप यूज कीजिए या तो लगा लीजिए, राइट उसके बाद आप पूरे दिन उसे आपके बालों में रहने दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सीरम को यूज करने के बाद धोने की जरूरत है, राइट आप ओवरनाइट तक इसे रख सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को छोटी कुछ चीज में बताना चाहती हूँ। नंबर वन, जब भी आप लोग अगर किसी का बहुत ज्यादा हेयर फॉल है तो सबसे पहले जो चीज जरूरी है, आप बालों में कोई भी गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर विंटर आ रही है उस टाइम पे इस तरह से पानी को आप लोग मतलब उस टाइम पे तो गर्म पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो कोशिश कीजिएगा गुनगुना पानी के साथ आप शैम्पू कीजिए, राइट बहुत ज्यादा गर्म ना हो क्योंकि उसमें बालों की स्ट्रक्चर खराब हो जाती है। कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप शैम्पू यूज कर रहे हैं एटलीस्ट उससे पहले दिन रात को आप
ऑयल यूज करें। हमारे पास बहुत सारे ऑयल्स हैं जहां पे आपकी बालों की प्रॉब्लम के लिए आप लोग ऑयल का यूज कीजिए। अगर पॉसिबल है थोड़ा सा ऑयल को ना हल्की हल्की तरह से या तो गुनगुना थोड़ा सा ऑयल लेके हॉट करके, बहुत ज्यादा उसे गर्म मत कीजिएगा, गुनगुना करके फिर पूरे स्कैल्प एंड हेयर पे अच्छी तरह से मसाज कीजिए। उसके बाद रात में आप सो जाइए। जिनको ठंड लगने की प्रॉब्लम है उनको मैं बोलूंगी कि आप जब शैम्पू कर रहे हैं दिन में उसके एटलीस्ट 3 आवर्स पहले ऑयल मसाज कीजिए, 3 आवर्स वेट कीजिए और उसके बाद आप लोग शैम्पू कीजिए, राइट। एक चीज हमेशा याद रखिए, ऑयल के बिना आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्यूशंस नहीं हो सकता है। कोई भी ऑयल एंड शैम्पू आप दीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमारी प्रोडक्ट्स है इसे भी आपको देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। उसके साथ मैंने आप लोगों को प्रिकॉशंस बता दिया है कि आप अगर आपकी कोई भी हेल्थ इश्यू है तो उसमें आपको सप्लीमेंट की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। जैसे कि आप बाहर से बालों की टेक केयर करते हैं, उसके साथ साथ आपको अंदर से भी बालों की टेक केयर करना जरूरी होती है। आज की जो प्रेजेंटेशन है मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है इस प्रोडक्ट्स के ऊपर, हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर, हो सकता है आपकी हेयर फॉल की अगर कोई भी प्रॉब्लम है इसमें हो सकता है, सो प्लीज आप लोग मेरे साथ बात कर सकते हैं। एनीवन एनी क्वेश्चन फॉर दिस प्रोडक्ट्स, या तो आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन आया है, मैं देख लूँ। चलिए एक क्वेश्चन आया है कि अच्छा, क्या ये एवरी सीजन में यूज कर सकते हैं? जी हाँ, ये एवरी सीजन में आप यूज कर सकते हैं। अगर आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप इसे, विंटर हो समर हो, कोई भी सीजन में आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर यूज की अच्छा, वीक में कितने टाइम? देखिए आप इसे वीक में 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं। अगर किसी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप एवरी डे के बेसिस में भी यूज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वीक में 2 से 3 बार इसे यूज करना जरूरी है। और अगर कोई चाहते हैं कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तो नहीं है लेकिन मैं पहले से प्रिकॉशंस लेना चाहती हूँ, तो उसके लिए आप मंथ में अगर 2 बार यूज करते हैं तो उसमें भी आपको रिजल्ट मिल सकती है, राइट। 18 के बाद कोई भी इसे यूज कर सकते हैं। एज लिमिट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मतलब एज लिमिट बोलते हुए मैं बोलूंगी कि अगर आपकी एज 18 है तो आप उसके बाद यूज कर सकते हैं, राइट। सीरम के इंग्रेडिएंट्स जो मैंने पहले ही आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे वही इंग्रेडिएंट्स हर एक प्रोडक्ट के अंदर है, राइट। जी हाँ, सीरम एक क्वेश्चन आया है कि सीरम को क्या हम लोग किस तरह से यूज करें। मैंने पहले ही बताया कि सीरम को यूज करने की जो मेन प्रोसेस है वो है, आपने शैम्पू किया, कंडीशनर लगाए, उसके बाद हेयर को टॉवल ड्राई कर लीजिए, या तो आप हल्का ड्राई भी कर सकते हैं लेकिन एकदम पूरे ड्राई मत कीजिएगा। बाल थोड़ा सा वेटी रहे तो वो बहुत अच्छा होता है सीरम को एब्जॉर्ब होने में या तो उसे लगाने में। आप थोड़ा सा भीगे बालों में, लेकिन उसे उसमें ड्रॉप वाइज पानी नहीं गिरना चाहिए, राइट। आप सीरम को लीजिए एंड पूरे बालों में, स्कैल्प में उसे अच्छी तरह से मसाज करके छोड़ दीजिए। आप हफ्ते में मतलब 3 बार भी इसे यूज कर सकते हैं, आप हफ्ते में 2 बार भी इसे यूज कर सकते हैं, बट मेन थिंग ये होती है कि आप आपकी प्रॉब्लम क्या, कितने मतलब कौन सी स्टेज में है,
राइट अगर मेजर स्टेज में है तो आप उनको हफ्ते में 3 दिन यूज कीजिए, अगर नॉर्मल स्टेज में है तो आप हफ्ते में 2 दिन भी इसे यूज कर सकते हैं या तो 1 दिन भी यूज कर सकते हैं। और जिनकी बहुत मतलब कुछ प्रॉब्लम अभी तो नहीं है लेकिन इन फ्यूचर होगी, नहीं होगी ऐसा भी नहीं है, उनके लिए आप मंथ में 2 बार भी इसे यूज करें तो काफी है। सो एनीवन एनी क्वेश्चन? विश्वजीत जी, आपने जो मुझे क्वेश्चन किया है कि एप्पल एंड बाम्बू शैम्पू विथ मोरक्कन आर्गन ऑयल क्या हेयर रिड्यूस के लिए मतलब हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है उसके लिए काफी है, तो मैं आपको बता दूं जी हाँ, आप जरूर इस प्रोडक्ट की यूज करवा सकते हैं, इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। लेकिन उसके साथ साथ आपको इस प्रोडक्ट का भी सजेशंस करना है, क्योंकि अगर आपको ये दिखाई दे रहे, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये प्रॉब्लम कौन से स्टेज में है, तो अगर आपको ये दिखाई दे रही है कि उनकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, सो प्लीज आप उनके साथ ये प्रोडक्ट की यूजेस जरूर करवाइए। हमारी जो एंटी फॉल हेयर मतलब एंटी हेयर फॉल किट है इसकी इस्तेमाल जरूर करवाइए, इसमें उनकी फायदा और जल्दी से होगी। राइट ओके सो गाइस, आई थिंक आज की जो सेशन है, आप लोगों को, आपके पास अगर कोई भी ऐसे पार्टिसिपेंट आते हैं, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम लेके आते हैं जहां पे आप लोग इस प्रोडक्ट की आप लोग उनको बता सकते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि हेयर ऑयल, जैसे कि हेयर शैम्पू, आप उसको ऐड करके इस प्रोडक्ट को बताइए। और उसके साथ साथ सप्लीमेंट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, हेयर फॉल के लिए आपको कौन से सप्लीमेंट देना है, आपको अगर उनकी हेल्थ की कोई इश्यू है उनके लिए आपको कौन सी सप्लीमेंट की जरूरत है, सो प्लीज आप लोग उसका भी सजेस्ट कीजिए। हमेशा कॉम्बो में देना बहुत जरूरी होती है, राइट उसमें उनको रिजल्ट बहुत अच्छी से मिलती है, और उसके साथ साथ आपका नॉलेज होना, इंफॉर्मेशन रहना बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हम लोग आज की सेशंस यहीं पर ही एंड करते हैं, और आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग इतने टाइम तक मेरे साथ इस ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय जय केवा, दिल से केवा, थैंक यू सो मच।